मैं बीए पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स और मैं बीएड भी डीडी यूनिवर्सिटी से किया हूँ और बीटेट सीटेट और एसटेट मैं तीनों क्वालिफाइड हूँ और मैं पंचायत के विकास के लिए ही चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या अपील हम यही करें कि आप हमें अपना मतदान करके आप अपने प्रतिनिधि चुने और हमसे हर समस्या की समाधान के लिए उम्मीद रखें। चलिए आप सबसे पहले तो सरकार के नियमानुसार आदेशानुसार हर पंचायत में आरटीपीएस काउंटर चलना चाहिए था, अब तक नहीं चला। पहला मेरा मुद्दा होगा कि रामपुर पंचायत में आरटीपीएस काउंटर चलवाऊंगा। आप आइएगा, आप धरातल बबौरिया में आपको विकास दिखाई देगा, आके हमारे पंचायत में दिखाई देगा। हम रामेश्वर किए हैं, हमारे जनता का बहुत बहुत धन्यवाद है जी। मैं सुंदरपुर पंचायत से निर्वाचन क्षेत्र संख्या 7 से मुखिया पद से चुनाव लड़ रहा हूँ। इस बार का मुद्दा क्या है? इस बार का मुद्दा विकास है। विकास को लेकर सभी आते हैं लेकिन अपना विकास करते हैं, पंचायत का नहीं करते हैं, लोग आपसे क्या अपेक्षा करें? क्योंकि हमारे पंचायत में 20 सालों से जो काम हुआ है, जनता के मन में वही धारणा बन गई है, लोगों के मन में यही धारणा बनी हुई है कि जो भी आते हैं वही काम करते हैं, लेकिन हम लोग जो आए हैं इस सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं। आते हैं साइकिल पर, जाते हैं बोलेरो स्कॉर्पियो से, 5 साल बाद आपसे लोग क्या अपेक्षा करें बताइए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम लोग युवा आदमी हैं, हम लोग हमारे पंचायत में जो विकास नहीं हुआ है हम लोग उस चुनौती को एक्सेप्ट किए हैं और इस चुनौती के साथ हमारे पंचायत में जो समस्याएं हैं उसके लिए हम लोग काम करेंगे ताकि पंचायत के जो हर सरकारी सुविधाएं हैं, सरकार की जो सुविधाएं हैं या अन्य सुविधाएं हैं उनको सही समय पर उचित समय पर उनको मिल सके। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मैं बीए पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स और मैं बीएड भी डीडी यूनिवर्सिटी से किया हूं और बीटेट सीटेट और एसटेट मैं तीनों क्वालिफाइड हूं और मैं पंचायत के विकास के लिए ही चुनाव लड़ रहा हूं। चलिए आप एजुकेटेड हैं, नवयुवा हैं, इसका फायदा आपको मिल रहा है कि नहीं पंचायत? ये आप तो जनता से पूछेंगे तो कुछ मालूम चल जाएगा। हमारे क्षेत्र में सभी युवाओं का, माताओं का, बहनों का, बुजुर्गों का और हमारे जो लोकतंत्र के रीढ़ हैं नवयुवक साथी, उनका भरपूर सहयोग हमें मिल रहा है। मैं जनता से यह अपील करूंगा कि इस बार के चुनाव में जो विकास के मुद्दे के साथ युवा व्यक्ति को साथ दीजिए, मुझे साथ मेरा साथ दीजिए और पंचायत का विकास मैं आपका सेवक बन करके करूंगा, आपका बेटा बन करके करूंगा। अपना परिचय दीजिए पंचायत के साथ। मैं मृत्युंजय कुमार माझी, ग्राम पंचायत राज सुंदरपुर, निर्वाचन क्षेत्र संख्या 7 से मुखिया पद से चुनाव लड़ रहा हूं और मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की सभी मतदाताओं को, माताओं, बहनों, बंधुओं को मैं दिल से नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे नॉमिनेशन में आने के लिए जो जन समर्थन और सहयोग और प्यार दिया है। मुखिया पद से अपना नामांकन दाखिल किए हैं। मुद्दा क्या है इस बार आपका? मेरा मुद्दा है विकास। बहुत से ऐसे मुखिया हैं जो विकास का मुद्दा से आते हैं लेकिन खुद का विकास कर लेते हैं, गांव का कुछ नहीं हो पाता है, आपसे लोग क्या अपेक्षा करें? अब हमारी हमसे जो अपेक्षा कर रहे हैं उन लोगों की विश्वास को हम टूटने नहीं देंगे। अच्छा, जो विश्वास करता है, भरोसा करता है, आज किया है, ये हम 5 साल तक उनका विश्वास बरकरार रखेंगे। ये हमारा अब सबको शुभकामना देते हुए। वर्तमान मुखिया कार्यों से कितना संतुष्ट है? वर्तमान मुखिया से संतुष्टि हमको क्या होगा, ये तो जनता संतुष्टि करेगी और वो बताएगी जनता की संतुष्ट है या नहीं। आप जीतते हैं तो सबसे पहला काम पंचायत में क्या होगा? हम जीतेंगे तो सबसे पहले ये होगा कि पिछले क्या हुआ है, सरकार की पैसा कहाँ गई है और उस पैसा से खिलवाड़ हुआ है, मैं पहले उसको पूछूंगा और जनता के सामने रखूंगा कि वो पैसा आपका है, सरकार की पैसा जनता की पैसा है। क्या अपील करना चाहेंगे पंचायत के लोगों से? क्या अपील हम यही करें कि आप हमें अपना मतदान करके आप अपने प्रतिनिधि चुने और हमसे हर समस्या की समाधान के लिए उम्मीद रखें। चलिए आप अपना प्रत्याशी का नाम बता दीजिए पंचायत के साथ। ग्राम पंचायत प्रत्याशी का नाम श्रीमती लग्नी देवी, पति मैं धर्मनाथ राम, पंचायत ग्राम पंचायत तेतहली प्रखंड बढ़रिया, रामपुर पंचायत मुखिया पद से। क्या किन मुद्दों के साथ आज आप मैदान में उतरे हैं? एकमात्र मुद्दा है पंचायत से भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाना है हमें रामपुर। अच्छा, वर्तमान मुखिया कामों से कितना संतुष्ट है?
निवर्तमान मुखिया के संबंध में मैं नहीं कुछ कह पाऊँगा क्योंकि अभी कहना मुनासिब नहीं है, क्योंकि आचार संहिता भी लगा है। अगर कहने जाएं तो केवल निगेटिव के बारे। अच्छा, क्या क्या ऐसा मुद्दा है जो कि इस बार अधूरा रह गया है, आपको पूरा करना है? सबसे पहले तो सरकार के नियमानुसार आदेशानुसार हर पंचायत में RTPS काउंटर चलना चाहिए था, अब तक नहीं चला। पहला मेरा मुद्दा होगा कि रामपुर पंचायत में RTPS काउंटर चलवाऊंगा। नाले का काफी दिखाई दे रहा है। जी नाला बरसात का पानी उसमें जल जमा हो जा रहा है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी कठिनाई है। बिल्कुल बिल्कुल, नाला एक बहुत ज्वलंत समस्या है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। वहाँ मैं सर्वे करा रहा हूँ, रिजल्ट के पहले, चुनाव लड़ने के पहले मेरा सर्वे हो रहा है, कहाँ कहाँ नाला की जरूरत है और उस नाले को पानी कहाँ गिराया जाएगा, जगह का सिलेक्शन हो रहा है। यह भी मेरा मुद्दा होगा कि अगले बरसात के पहले अत्यंत आवश्यक जहाँ वहाँ नाला निर्माण भी करवाऊँगा। एक समस्या, सबसे बड़ी समस्या आपके पंचायत की यह है कि बहुत सारे लोग शौचालय के लिए बाहर भी जाते हैं, इस मुद्दे का आप क्या कहना चाहते हैं? यह तो कुछ जागृत करने वाली बात है, बहुत घर में शौचालय है फिर भी बाहर जा रहे हैं, तो इसको जागृति लाएंगे, एक जागरण अभियान चलाएंगे। क्या अपील करना चाहेंगे पंचायत के लोगों से? पंचायत के लोगों से मेरा अपील है कि भय मुक्त वातावरण में एक बार 5 साल के लिए श्रीमती उमरावती देवी को मुखिया बनावें और अपने रामपुर पंचायत को आदर्श पंचायत घोषित कराने में मदद करें। कहाँ से? कैलगढ़ पंचायत से, दक्षिण से किए हैं मुखिया पद के लिए। किस बार किस मुद्दे के साथ आज क्षेत्र में उतरे हुए हैं, मुद्दा क्या है? विकास, विकास को लेकर हर मुखिया आते हैं लेकिन अपना विकास हो जाता है, पंचायत का नहीं होता है। आप वो तो हमारे क्षेत्र, आप मेरे क्षेत्र में चलिएगा तो आपको पता चलेगा, यहाँ का आपको बताएगा। आप आइएगा, आप धरातल बबहरिया में आपको विकास दिखाई देगा, आके हमारे पंचायत में दिखाई देगा। हमने अमृतसर किए हैं, हमारे जनता का बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए, तो इस बार जीतते हैं तो सबसे पहला काम क्या होगा? विकास होगा, और क्या होगा? जहाँ अधूरा काम पड़ा है वहाँ होगा। आखिरी सवाल, आप अपना नाम और पंचायत का नाम? अविंदर माझी, कलवर दक्षिण पंचायत। क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? क्या अपील करना चाहते हैं? अरे मान सम्मान देंगे जनता को, जो विकास होगा वो काम करेंगे, और क्या करेंगे। हम यही कहेंगे कि जो है, जो भी हमारे पंचायत के जनता है हमको वोट दे और भारी मतों से विजयी बनाए और हमसे काम ले इंसाफ के लिए। चलिए, प्रत्याशी का नाम बता दीजिए। नबी अहमद खान और अफसरी खातून। पंचायत कौन सा है? हथिंगाई पंचायत करेंगे। अभी तो हमारे पंचायत में एक भी जल नल चालू नहीं हुआ, तो पहला तो वही काम करेंगे कि जल नल को सुचारू रूप से चालू कराएंगे। पंचायत की जनता से क्या निवेदन करना चाहेंगे? ज्यादा से ज्यादा मत का प्रयोग करें और मुझे मत दें और मुझे बनाएं मुखिया, और जल नल का जो अधूरा काम है उसको पूरा करेंगे। पहला विकास मेरा यही है, सबको पूरा करेंगे। ग्राम पंचायत राज पढ़ाओ ना। हेलो, ग्राम पंचायत राज पढ़ाओ। नहीं है, काउंटर बढ़ गया है, शांति से काम कीजिए आप लोग। प्रत्याशी का नाम अंतारी देवी। पहले बात सुन लीजिए। प्रत्याशी का नाम अंतारी देवी। काम जल्दी होगा। नीरज कुमार सिंह। सुन लीजिए।